अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन। ना ही हम इसे बनाएंगे ओवन में और ना ही बनाने वाले तंदूर में, तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 चिकन के लेग पीसेस ले लिए है। इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरह से टिश्यू पेपर से हमें इसे पोंछ लेना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। और चिकन के लेग पीसेस पे इस तरह से हमें कट्स ले लेना है। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे दही। 3 बड़े चम्मच हम इसमें दही मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कीजिए। अब हम इसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे 1/2 चम्मच। 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन की पेस्ट मिला देंगे। 1 चम्मच नमक मिलाएंगे। 3 चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें अच्छे से कलर के लिए इसमें फूड कलर मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम रेड फूड कलर मिलाते हैं। थोड़ा सा हमें रेड फूड कलर इसमें मिलाना है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे लेग पीसेस को हम मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से हर एक लेग पीस हमारा मसाले में अच्छे से कोट होना चाहिए, तभी इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। 1/2 घंटा हमारा हो गया है, चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे। अब गैस के ऊपर हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम 1 बड़ा चम्मच सॉल्टेड बटर लेंगे। यहाँ पे मैं ये अमूल का बटर ले रही हूँ। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। बटर हमारा मेल्ट होने के बाद अब हम हमारा मैरिनेटेड चिकन ले लेंगे और सारे लेग पीसेस हम पैन में डाल देंगे। अब इन लेग पीसेस को हम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट रोस्ट होने के लिए रख देंगे। जो भी हमारा बचा हुआ मसाला है वो मसाला भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। एक 15 मिनट हम नीचे के साइड से चिकन के लेग पीसेस को रोस्ट कर लेंगे। के बाद में हम पलट कर ऊपर की साइड भी रोस्ट करेंगे इसी तरह से। गैस की फ्लेम को हम लो पर रखेंगे और 15 मिनट इसे हमें रोस्ट करने के लिए रख देना है। तो ये देखिए 15 मिनट हमारे हो गए हैं और हमारा सारा जो मसाला है वो ड्राई हो गया है और हमारे जो चिकन के लेग पीसेस है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं।
में हमें पलटते पलट पलट कर रोस्ट कर लेना है। जैसा आप देख रहे हैं हमारा तंदूरी चिकन बनकर रेडी है, ये देखिए। चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसे हमें तंदूर का फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हम एक कोयला ले लेंगे, कोयले का पीस लेना है हमें यहाँ पर। इसे गैस के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे जलाने के लिए। अब हम एक ग्लास ले लेंगे छोटा सा, इसमें हम कोयले को डाल देंगे। अब इस कोयले के ऊपर हम तेल डालेंगे आधा चम्मच। इसे हम फौरन ढक देंगे, एक दो तीन मिनट हम इसे इस तरह से ढक कर रखेंगे ताकि जो भी हमारा स्मोकी फ्लेवर आ जाए हमारे चिकन में। 3 मिनट के बाद ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्मोक इसमें आया है। अब हम एक ग्लास निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तंदूरी चिकन बनकर रेडी है। बनाए ना एकदम मार्केट जैसा तंदूरी चिकन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।